Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Taskeer. Guys, इस particular video में हम लोग अपने एक case study को आपके साथ share करने वाले हैं, एक अपने experience को share करने वाले हैं जो हमने अपने इस particular channel के लिए किया था. Right, यहाँ पर आप देख रहे हो digital theory आपको channel दिख रहा है. इस particular channel के लिए हमने एक छोटा सा experiment किया था, एक छोटा सा test किया था जो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, तो मैं उसको आपके साथ share करना चाहता हूँ और उससे आपको भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से आप भी जो है टेस्टिंग कर सकते हैं. इन सारी चीजों के बारे में थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया है, जो पुराने पिछले वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से उस चीज ने हमें हेल्प की थी, तो वो चीज आप यहाँ पर देखने वाले हो. तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि कई बार हमें इस चीज का एडवांटेज लेना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जिस कैटेगरी में चैनल है कि अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम उन एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करें, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ हम बैठे और जो फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करें. देखो, कंटेंट प्रिपरेशन जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि केवल आपको कॉन्टेंट प्रिपेयर करना है, उस कॉन्टेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च भी करनी पड़ेगी, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से उस चीज के लिए जो है एड लगा रहे हैं, या उन लोगों का जो कंटेंट है वो लास्ट ईयर किस टाइप का था, यानी पिछले एग्जाम जो वही एग्जाम हुआ था उसके लिए उन लोगों ने किस टाइप का कंटेंट वहां पर डाला था, वहां पर क्या चीजें ऐसी थी जो मिस हो गई थी जिनको आप इस साल कवर कर सकते हो. फाइन, तो जब मैं कहता हूं कि भाई आने वाला कोई एक एग्जाम है उसके लिए आपको अपने कॉन्टेंट को प्रिपेयर करना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप एक प्ले लिस्ट का कॉन्टेंट प्रिपेयर कर देंगे. आप उस कॉन्टेंट को कैसे बेस्ट बनाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अच्छा बनाएंगे, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. तो यहां पर आप देख रहे हो ये कुछ वीडियोस की सीरीज थी जो रिलेटेड थी इंश्योरेंस से. राइट, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एग्जाम होने वाला था जिसको ध्यान में रख के, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करी थी और उसका जो फर्स्ट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देखो तो उस वीडियो को हमने पब्लिश किया था 13th of December एंड 13th of December को हमने पब्लिश किया था. और मैं अगर आपको इसकी एनालिटिक्स दिखाऊं तो इसकी एनालिटिक्स बहुत पॉजिटिव थी. जनरली हमारे वीडियोस या इस पर्टिकुलर चैनल के वीडियोस थे वो ऑर्गेनिकली उतना बूम नहीं करते थे, बट क्योंकि ये चैनल, ये जो स्पेसिफिक वीडियो था इस चैनल के ऊपर, इसी चीज को ध्यान में रख के वीडियो डिजाइन किया गया था या वीडियो क्रिएट किया गया था एक्चुअली, और इसी चीज को ध्यान में रख के हमने जो फर्दर जो आगे इस वीडियो से जुड़े हुए जो दूसरे वीडियोज थे उनको बनाया था और इस वीडियो इस प्लेलिस्ट को इस तरीके से बनाया था ताकि जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, उसको हम कवर कर सकें और उसमें जो मेन चीजें जो स्टूडेंट सर्च करते हैं उस टाइप के वीडियोस हम कवर कर सके. तो यहाँ पर देखो आप, इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, राइट, टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज. तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऑडियंस रिटेंशन जरूर इसका ओवर द टाइम डिक्रीज हुआ, बट हमें इससे लगभग 24,000 के आसपास व्यूज मिले और लगभग 1,500 घंटों का वॉच टाइम मिला, जो कि एक पॉजिटिव था. सब्सक्राइबर्स भी हमें बहुत अच्छे मिले, इससे लगभग 506 हमें सब्सक्राइबर्स मिले. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब शुरुआत में ही हमने 10-12 दिन में ही इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे. तो जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे थे 1,000 व्यूज लाने के लिए, वहां पर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, अपनी जो हमारी निश है उसमें प्रॉपर रिसर्च के साथ हमने कंटेंट बनाया, हमने जो है स्ट्रेटजी बनाई. उसके बेसिस पर अगर आप देखें तो इस सीरीज में हमने जितने भी वीडियोज अपलोड किए थे वो सभी वीडियोज में हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला. फाइन, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि ऑडियंस रिटेंशन हमें उतना अच्छा नहीं मिला, बट लाइक्स वर्सेस लाइक्स, जो इंगेजमेंट्स, जो कमेंट्स हमारे पास आने चाहिए थे वो हमारे पास सारी ही चीजें जो है आई. तो ये चीज मैंने थ्योरेटिकली आपको लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, आपको मैंने समझाने की कोशिश किया था कि इस तरीके से भी चीजें काम करती है. बाकी तो जो बेसिक के हमारी SEO सेटिंग्स थी वो सारी हमने करी, बट ये ऐसा नहीं था कि केवल इस वीडियो को जो आप देख रहे हो यहाँ पर SEO एडवांटेज ही मिला, बट इसका मैंने SEO तो किया बट इनमें जो कीवर्ड्स थे वो उस स्पेसिफिक टाइम में काफी ट्रेंडिंग थे, उस स्पेसिफिक टाइम में काफी ट्रेंडिंग थी. जैसे ये देखो आप, MCQs on insurance awareness for LIC assistant, तो ये थर्ड नंबर पे जो है हमारा वीडियो रैंक कर रहा है, अभी भी रैंक कर रहा है. राइट, एंड अगर आप देखो इंश्योरेंस बेस्ड MCQs फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और इसके ऊपर हमारा जो वीडियो है वो 7th पोजिशन पे आज भी रैंक कर रहा है. तो ये सारे रीजंस थे, ये स्ट्रेटजीज थी जिनके बेसिस पर हमें इस पर्टिकुलर वीडियो से या इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से काफी एडवांटेज मिला और जिसको हम बोलते हैं कि एकदम से हमारा थोड़ा सा, देखो यहाँ पर जरूर हम इस बात को बोलेंगे कि जरूर यहाँ पर हमें ऐसा नहीं हुआ कि एक वीडियो में हमें लाखों व्यूज मिल गए या मिलियन ऑफ व्यूज मिल गए, बट जिस
जिस ग्राफ से हम ग्रो कर रहे थे वो ग्राफ जरूर हमारा थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा। तो गाइज एक छोटी सी ये केस स्टडी थी और इसमें मैंने आपको इस बात को बताया कि यहाँ पर भी हमने कोई एड वगैरह नहीं लगाया था, किसी भी तरीके का कोई एड नहीं था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। हाँ, अभी भी अगर देखा जाए तो इस वीडियो के व्यूज बहुत कम है, राइट। ये वैसा वीडियो नहीं है कि आप बोलोगे कि ये वीडियो वायरल हो गया, बट जहां पर हमें 500, 300 व्यूज मिल रहे थे, 400 व्यूज मिल रहे थे, 200 व्यूज मिल रहे थे और वहां से हमें सब्सक्राइबर्स 2, 4, 5 मिल रहे थे, वहां पर अगर हमने प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी यूज की, और केवल ये एक वीडियो नहीं था, इसके साथ पूरी प्लेलिस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मिनट इंश्योरेंस अवेयरनेस टाइप करता हूँ, लेट मी शो यू। देखो आप शो ऑल करके आपको ये सारे वीडियोस दिख रहे हैं, और पहला जो वीडियो था वो 13 दिसंबर को लाइव किया गया था। ये 13 दिसंबर को पहला वीडियो लाइव हुआ, राइट, हियर इट इज 13 दिसंबर को, और यहाँ पर लगभग 24,000 व्यूज हमें मिले। उसके बाद 6,000, 2,000, 1,000, बट हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें व्यूज भी अच्छे मिले, और व्यूज के साथ अगर इन सबका जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाए तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत पॉजिटिव था। क्यूमुलेटिव इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द चैनल ऑल्सो, एंड इन द फॉर्म ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ द व्यूज ऑल्सो, जितने भी मैट्रिसेस जो पॉजिटिव होती हैं उनमें हमें काफी हेल्प किया। तो अगर हम नॉर्मली कुछ भी पोस्ट करते चले आते हैं जो नॉर्मली भले वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी कि भाई क्या चीज आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, किस चीज को जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किस चीज को लोग हमारी निश का जो कंटेंट है उसको ज्यादा लोग सर्च करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर डिजिटल तैयारी चैनल क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड कंटेंट डालता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ टेक्निकल चीज ट्रेंड कर रही है तो वो टेक्निकल चीज का वहाँ कॉन्टेंट डाल दे, नहीं ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है और आपको समझ में भी आनी चाहिए कि अपनी निश से रिलेटेड जो हमारा ट्रेंडिंग कॉन्टेंट है या 1-2-3 महीने में ट्रेंडिंग हो सकता है उसके लिए हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और फिर से मैंने कहा कि स्ट्रेटजी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपको बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करना है, स्ट्रेटजी बनाने का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी करनी है, बेस्ट कंटेंट भी प्रोड्यूस करना है, जो टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं, जो यूट्यूब एसईओ के पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करना है। इन सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा आपके चैनल के ऊपर। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, गुड बाय।